अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपका होस्ट और दोस्त अरसलान। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक न्यू फ़ोटो एडिटर लेकर आया हूं, जो कि बहुत ही कमाल की एप्लीकेशन है। तो आइए दोस्तों, हम इसे ओपन करके देख लेते हैं कि ये किस तरह से वर्क करती है। तो दोस्तों, इसे ओपन करते ही ये प्लस का निशान है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम गैलरी के ऊपर क्लिक कर लेंगे। कोई भी एक फ़ोटो सेलेक्ट करने के लिए, तो मैं यहाँ से यही पिक्चर व्हाट्सएप इमेज में से मैं कोई एक पिक्चर सेलेक्ट कर लेता हूँ। दोस्तों, माफ़ी चाहूँगा क्योंकि इस वक्त मैं जहाँ पर मौजूद हूँ, इर्द गिर्द बहुत ट्रैफिक वगैरह है, तो मैं ये झंडे वाली पिक्चर सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसे सेलेक्ट करने के बाद सिंपल दोस्त टूल्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक हेलिंग का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, आपने हेलिंग के ऊपर क्लिक कर देना है। हेलिंग के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों, जस्ट आपने इस फ्लैग को सिलेक्ट कर लेना है। मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ और आपने इसे छोड़ देना है। तो आप जैसे ही इसे छोड़ देंगे तो ये गायब हो जाएगा। अब देख सकते हैं दोस्तों, ज़रा भी महसूस नहीं हो रहा कि यहाँ पर पहले एक झंडा था, एक फ्लैग था। तो ये दोस्तों, इसे हम सेव कर लेते हैं और आगे बात करते हैं। टूल्स में जाएंगे और यहाँ से हम ब्रश के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, मज़ीद काफ़ी अच्छे अच्छे। तो इसके बाद हम दोबारा टूल्स पे चलते हैं। मैं दोस्तों ये जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों का टाइम बच सके। HDR स्कैप के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ऊपर से कुछ इस तरह से नज़र आने लग जाएगा आपको। फाइन, तो ये जस्ट ऑप्शंस होते हैं कि थोड़ी सी तब्दीली करने के लिए। तो इसे भी कैंसिल कर देता हूँ। तो यहाँ से हम ग्लैमर के ऊपर आपको इसका कलर सिलेक्ट कर सकते हैं, जिस तरह भी आप इसे रखना चाहें। तो इसके साथ ही आपको एक और भी टोनल कॉन्ट्रास्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद हम यहाँ बीच में क्लिक हाई टोन्स, मिड टोन्स, लो टोन्स लोगे ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको तस्वीर के ऊपर हल्के हल्के से निशान नज़र आ रहे होंगे। तो इसे भी हम क्लिक करते हैं और चलते हैं ड्रामा की तरफ। ड्रामे में आपको कुछ ये लेयर की तरह मिल जाते हैं, जिसमें आप इसे सिलेक्शन कर सकते हैं। तो इसके बाद हम फिर टूल्स में चलते हैं और यहाँ पर आपको मिल जाएगा विंटेज। विंटेज क्लिक सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों, आप देख सकते हैं कि कितने प्यारे प्यारे इफेक्ट मिल रहे हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको भी ये काफ़ी अच्छे लग रहे होंगे। तो मैं यहां पर आपको कुछ और टूल्स दिखा देता हूं। तो जैसे ये एक नीचे आ रहा है ग्रैनी फिल्म, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर भी हमें कुछ इस तरह से ओल्ड किस्म के लेयर्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। तो हम चलते हैं फिर वापस टूल्स में। शेट्रोलेक्स लिखा हुआ है आई थिंक। तो यहाँ पर आपको दोस्तों काफ़ी अच्छे ऑप्शंस मिल जाते हैं, कमाल है, नाइस। यहाँ पर ग्रोंज का ऑप्शन भी मिल जाता है और यहाँ से आप देख सकते हैं दोस्तों के काफ़ी ओल्ड पिक लग रही है, जैसे काफ़ी पुरानी पिक्चर हो, काफ़ी पुरानी पिक्चर लग रही है। यहाँ पर आप क्लिक करके इसे चेंज भी कर सकते हैं, स्टाइल का ये ऑप्शन आ गया दोस्तों, काफ़ी अच्छे ऑप्शन है दोस्तों। तो फिर हम बैक चलते हैं टूल्स में। आपको इसके अलावा यहाँ पर ब्लैक एंड वाइट में आप इसके अलावा आपको यहाँ पर नोयर का ऑप्शन मिल जाता है। नोयर में भी दोस्तों आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे लेयर्स वगैरह अवेलेबल हैं। और इसके साथ ही आपको हेड पोस चेक कर लेते हैं दोस्तों कि ये क्या चीज़ है। कैंसल फिल्टर ट्राई हेडर के ऊपर क्लिक करके देख लेते हैं। सॉरी, कैंसल के ऊपर क्लिक हो गया दोस्तों, ट्राई हेड, ओ सॉरी, हेड तो मौजूद नहीं है, तो ये कैसे, नो सिंगल परमिशन,
ओके राइट, टूल्स के ऊपर दोबारा जाते हैं तो दोस्तों यहाँ पर हमें लेंस ब्लोर मिल जाता है, ब्लोर का ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें आप इसे अपनी मर्ज़ी की जगह पर एडजस्ट करके बाकी जगह को ब्लोर कर सकते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं मैं इसे यहीं पर सेलेक्ट करता हूँ तो बाकी ऑप्शन डी एस ऐसा लगता है जैसे डी एस एल आर से ली हो। विगनेट, विगनेट में भी आपको दोस्तों ब्राइटनेस का ऑप्शन मिल जाता है और इसके साथ ही डबल डबल एक्सपोजर। डबल एक्सपोजर क्या है दोस्तों, कुछ ओपन नहीं हो रहा है आई थिंक। यहाँ पर कोई भी हम पिक एक और साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके डबल एक्सपोजर से दोस्तों आप कोई भी तस्वीर सेलेक्ट करते हैं, आप चाहते हैं कि ये भी उसी की तरह नज़र आए यानी कि उसी लेयर में नज़र आए, तो ये भी हो सकता है, पॉसिबल है। तो यहाँ से हम दोबारा टूल में चलते हैं, यहाँ पर आपको टेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। टेक्स्ट का हर किसी को पता है कि यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, डबल टैप हेयर, यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। आई मीन्स टेक्निकल इंफॉर्मेशन। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा ऑप्शन दिया हुआ है इन्होंने, यहाँ से आप इसका स्टाइल चेंज भी कर सकते हैं दोस्तों। नाइस स्टाइल्स। दोस्तों अब हम अपने आखिरी ऑप्शंस के बारे में बात कर लेते हैं जिसका नाम है फ्रेम। फ्रेम पर चलते हैं और यहाँ पर हम कोई भी फ्रेम सेलेक्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से फ्रेम चेंज हो रहे हैं, काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है। बात कर लेते हैं इसे सेव करने की, हम यहाँ से इसे यस कर लेंगे और एक्सपोर्ट का आपको यहाँ पर ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, इसके ऊपर हम क्लिक करके जस्ट इसे कर सकते हैं, क्रिएट ए कॉपी योर फोटो। तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये कॉपी होना शुरू हो गया है, सेव होनी शुरू हो गई है, फ्रेम सेविंग फोटो व्यू। तो मैं इसे फोटोज में व्यूज़ कर लेता हूँ। तो दोस्तों ये आपको इस तरह से पिक तैयार हो जाएगी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी।